हमारे पास भी एक देवी है जिसको प्रसाद में आपको सिर्फ वोट चढ़ाना है, कोई पैसा नहीं चढ़ाना, कोई मंदिर नहीं जाना, कोई मस्जिद नहीं जाना, कोई गुरुद्वारा नहीं जाना, तो वहां क्यों नहीं जाते हैं? बात मैं निश्चित तौर से करूंगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक समाज को जो दिया है देखने में, आज हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं हम सब बहुजन समाज के लोग हैं, जितने महापुरुषों के नाम यहाँ लिए जाएंगे हम उनको सबको एक एक आदमी हमारा परिचित है, लेकिन अगर उसको देश से परिचित कराने का काम करा है तो मेरे को लगता है कि निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन प्रेरणा केंद्र बना के करा है। हमारे समाज में और भी बहुत सारे नेता हुए हैं, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन जिस पटल में महापुरुषों के बारे में, जो उनके बारे में हम बात करते हैं, सतीश बोध जी भी बात करके गए हैं उनके बारे में, अगर हम देश के लोगों को समझा पाए तो मेरे को लगता है कि बहुजन समाज पार्टी उसका सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। अभी हमारे एक मित्र थे, वो अभी छोड़ के और चले गए हैं कहीं, जय श्री राम बोलने लगे हैं, जय भीम भूल गए हैं, तीन तीन बार बोलते हैं जय श्री राम जय श्री राम। तो जय श्री राम आप बोलो कोई एतराज नहीं है, लेकिन थोड़ा धीरे बोलना चाहिए, क्योंकि अगर उसने बुला लिया एक बार भी आपका नाम तो आपका जीवन भी जो है समाप्त हो सकता है, इसलिए कम बोले। एक हमारे मित्र है, ठीक है, वो आजकल मतलब झाड़ू के साथ लगे हुए हैं, अनिल गौतम उनका नाम है, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं। तो मेरा जो मोबाइल है ये एप्पल का मैंने खरीदा था 1,00,000 रुपए में, लेकिन अब एप्पल का ना रह गया और ये फूल झाड़ू हो गया, क्योंकि एक तरफ फूल से मैसेज आता है एक तरफ से झाड़ू का मैसेज आता, तो मोस्टली फूल झाड़ू हो गया। तो ये चीजों से समाज को वास्तव में समझना चाहिए कि हम वक्त पे, जब वक्त आता है तब हम उस चीज को भूल जाते हैं, वैसे तो याद रखते हैं, तो जब जुड़ने की बात आए तब निश्चित तौर से जुड़े। आप ये तय करें कि समाज को हमने दिशा कहां देनी है, जिन महापुरुषों की बात हम यहाँ बैठ के करते हैं, इस मंच से करते हैं, इस मंच पे एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो उन महापुरुषों को नहीं जानता हो या उनके पदचिन्हों पे चलने की कोशिश नहीं करता हो। अगर हमें देश में इन महापुरुषों की इतिहास को पढ़वाना है, समझाना है और लोगों को बताना है, तो उसके लिए हमें पूरे देश के बहुजन समाज को एक बार एक होके और एक कोने में कहीं ना कहीं डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ है। जब तक हम जा नहीं पाएंगे, लोगों को नहीं समझा पाएंगे, जो दूसरे लोग इनको नहीं जानते हैं, जो इनसे अनभिज्ञ हैं, तब तक हम जिस चीज की बात करते हैं, जिस संविधान की बात करते हैं, वहां तक मेरे को ऐसा मानना है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। एक नेता जब चुनाव लड़ता है तो वो चुनाव हारता है और वो बाहर हो जाता है। मैंने चुनाव लड़ा, वो मेरा कर्तव्य था, चुनाव का परिणाम क्या होगा वो आप लोगों का कर्तव्य था, मेरा कर्तव्य नहीं था, इसलिए मैं आज फिर आपके बीच में हूं और हमेशा रहूंगा, क्योंकि वो मेरी सामाजिक जिम्मेदारी थी, मेरे को दी गई इसलिए मैंने उसको निभाया। जो सामाजिक जिम्मेदारी समाज देता है उसको निश्चित तौर से निभाना चाहिए, और मैंने अपनी पूरी ताकत से निभाई, जितनी मेरे में ताकत थी उसे डबल ताकत मैंने लगाई। परिणाम देना समाज का काम है और लोगों का काम है, समाज के अलावा बाहर के भी बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कि मेरी पार्टी को पसंद करते होंगे, उन लोगों ने भी कुछ दिया होगा, अभी नहीं दिया तो अगली बार दे देंगे, उसलिए अगली बार दे देंगे। समाज इकट्ठा होए और कोशिश करे कि हम एक बार हमारे महापुरुषों की, जिनकी हम बात करते हैं, उनके प्रेरणा केंद्र या दलित प्रेरणा केंद्र पूरे देश में बन सके। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि मेरी बात आपको समझ आएगी, हम फूल झाड़ू से दूर रहेंगे, समाज के साथ रहेंगे, जिधर समाज जाएगा उधर हम जाएंगे, और जहां पे हमें लगता है कि हमारे समाज का यहाँ पे वर्चस्व हो सकता है वहां पे हमें जरूर जाना चाहिए। हमारे पास भी एक देवी है जिसको प्रसाद में आपको सिर्फ वोट चढ़ाना है, कोई पैसा नहीं चढ़ाना, कोई मंदिर नहीं जाना, कोई मस्जिद नहीं जाना, कोई गुरुद्वारा नहीं जाना, तो वहां क्यों नहीं जाते हैं? अभी दलित प्रेरणा स्थल हमारे सारे पत्रकार भाई गए थे, मैं कुछ लोगों से मिला भी था वहां पे, कुछ लोगों को देखा भी था। तो जब वहां जाते हैं और हम कसम खाते हैं महापुरुषों की कि हम इनके लिए जिएंगे, तो जब उनके लिए जीने का नंबर आता है तब हम पीछे हट जाते हैं। इस बात से हमें बहुत ज्यादा सजग रहना है, इन बातों से एक बार बाहर निकलना है। अगर समाज को वास्तव में ही अपना नाम चाहिए, अगर चाहिए कि आपको बराबरी का हक चाहिए, तो बराबर होने के लिए जो हमें गैर बराबर समझते हैं, जो समझते हैं कि हम उनके बराबर नहीं है, उन लोगों को एक बार दिखाने के लिए पूरे समाज को निश्चित तौर से साथ आना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टी आप कोई भी चुन लो, लेकिन बगैर राजनीतिक ताकत के हम जितनी भी भीड़ इकट्ठी कर लें उसका मेरे को नहीं लगता कि कोई मीनिंग है। इसलिए उस मीनिंग को साबित करने के लिए
निश्चित तौर से बहुजन समाज को एक साथ आना चाहिए। जिधर आप जाएंगे, जो आपको ठीक लगता है वहीं जाएंगे। मैं भी समाज के साथ जाऊंगा, लेकिन राजनीतिक मंच पे बहुजन समाज पार्टी के अलावा बाहर नहीं जाऊंगा। बहुजन समाज पार्टी में पैदा हो, उसी में मरूंगा, उसके अलावा मेरे को कहीं ले चलना। समाज के लिए और मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, जो समाज कहेगा वो करने को तैयार हूँ। एक हमारे कोई डीएम साहब थे, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लोग गए कोई स्कूल में पता करने कि भाई बच्चे के खाने में कुछ प्रॉब्लम है, तो डीएम साहब ने कहा कि साहब 20 लाख रुपए की गाड़ी में ये लोग ये पता करने आए कि गरीब को खाना जो दिया जा रहा है वो ठीक से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। डीएम साहब यह बात भूल गए कि डीएम साहब जब बहुजन समाज पार्टी के सिपाही ने चुनाव लड़ा तो उस गाड़ी में 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी तो मेरे आगे पीछे चलती थी। बहुजन समाज के लोग अपने लोगों के पास 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में भी जाते हैं। मैं आज भी आया हूँ और हमेशा आऊंगा। आप अगर गाड़ी से तोलते हैं हमारे लोगों को, तो मेरे को नहीं लगता कि उनकी जितनी 10 साल की सैलरी उससे ज्यादा की मेरे पास गाड़ी है। समाज को तुलवाना हमारा काम है कि हम समाज को किस पटल पे रखते हैं। बेसिक जो बात है डीएम साहब की वो ये है कि हम जब डीएम साहब को जवाब देना था तब शायद इस लायक इकट्ठे नहीं हो पाए कि डीएम साहब को दोबारा वो बात नहीं बोलनी पड़ती। और वो माफी मांगते, माफी उन्होंने मांगी लेकिन उन्होंने दोबारा बोल दी। वो क्यों बोली कि हम जिन महापुरुषों की बात करते हैं उनके नक्शे कदम पे चलते नहीं है। जब हमारे पास एक मौका है, हमारे पास ऐसा संभावना है कि हम पूरे देश में बहुजन समाज को स्थापित कर सकते हैं, तो हमें उस तरह बढ़ना चाहिए। इसलिए राम राम बोलना, श्याम श्याम बोलना, जय भीम बोलना, ये सब हम समय पे बोलते हैं, क्योंकि हमारे बहुत अधिक मित्र थे, वो कहते हैं कि साहब मैं पैदा ही जय भीम में हुआ, लेकिन आज उनके उनके जो मैसेज आते हैं मेरे को उसमें वो 3 बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते हैं। मैं तो 1 बार भी नहीं बोलता, मैं तो जय भीम 2 बार बोलता हूँ। हमारे जितने पत्रकार बंधु आप उनसे सुन लो, क्योंकि अगर हम 2 बार जय भीम बोलते हैं तो हम बाबा साहब का नाम 174 बार पूरा लेते हैं। हिंदू जी पढ़ी लिखी है, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ये उसका मीनिंग निकाल के आपको समझा देंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अगर हम 2 बार जय भीम बोलते हैं तो हम 174 बार बाबा साहब का पूरा नाम लेते हैं। उसकी मीनिंग ये होती है, जिसने भी ये नाम दिया होगा समाज को उसने सोच समझ के दिया होगा, लेकिन हम 1 बार बोलने में भी शायद शर्माते हैं, हम बोलते नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ, हमारे बहुत सारे लोग हैं, उनको पता होगा कि मैं एक ऐसी जगह में रहता हूँ जिसके चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी है, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आज तक मेरे पास एक आदमी ऐसा नहीं आया जो मेरे को ये कह सके कि साहब आप बहुजन समाज पार्टी छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, क्योंकि उनको मालूम है कि राजवीर सिंह ना बिकेगा ना झुकेगा तो वो मेरे पास आ ही नहीं सकते। इसलिए ये समाज को भी समझना पड़ेगा कि जहां समाज की जरूरत है वहां समाज इकट्ठा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप पार्टी के साथ आए, किसी भी पार्टी के साथ जाए, लेकिन इकट्ठे होकर तो जाए, आप बिखरे नहीं। और जाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि जहां आप जा रहे हैं आज जिस ताकत से आप यहां जय भीम बोल पा रहे हैं, जिस ताकत से यहां सतीश बोध जी बोल के गए हैं, जिस ताकत से मैं बोल रहा हूं, जिस ताकत से हिंदू जी बोलेंगी, क्या आप और कहीं जा रहे हैं वहां पे जाके इस ताकत से ये चीजें बोल पाएंगे क्या? अगर बोल पाए तो जरूर चले जाएगा, नहीं बोल पाए तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, फिर हमारे साथ आ जाइएगा। सभी को जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।